दोस्तों, इस चिलचिलाती धूप और गर्मी में जब भी हम अपने घर से बाहर ट्रैवल करते हैं तो जब हम सड़क के किनारे खड़ी हुई देखते हैं गन्ने के रस की ठेली, तो हमारे कदम खुद ही रुक जाते हैं और हम चल पड़ते हैं पीने इस स्वादिष्ट और देसी पेय पदार्थ को। जी हाँ दोस्तों, गन्ने का रस एक देसी पेय पदार्थ है और इसमें बहुत सारी खासियतें हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो हम बहुत पीते ही हैं और कहीं भी हम जाते हैं तो गन्ने के रस को साधारण समझा जाता है, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है उसे आधुनिकता का पर्याय माना जाता है। लेकिन जो गन्ने का रस है, अगर हम इसके गुणों को देखें, इसकी गुणवत्ता को देखें, तो ये पेप्सी की तुलना में बहुत अधिक लाभदायक है। सबसे पहला तो इसका जो खासियत है वो यही है कि हमारी आँखों के सामने बनाया जाता है। इसका पूरा प्रोसेसिंग जो होता है वो हमारी आँखों के सामने होता है, किस तरह से गन्ने को निचोड़कर और गन्ने का जूस बनाया जाता है और उसमें पुदीना और नींबू डालकर, काला नमक डालकर, जो इसका स्वाद है वो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी आँखों के सामने बना हुआ पीते हैं। तो जब भी गर्मी का मौसम होता है, हम लोग तो ज़रूर जहाँ भी जाते हैं तो रास्ते में एक बार गन्ने का रस पीते हैं तो बहुत ही एनर्जी आ जाती है। तो आइए, हम आज गन्ने का रस ही पी रहे हैं यहाँ पर, तो आइए बात करते हैं इस रस को बनाने वाले इन भैया से। जी ठीक है, अपना मजदूरी आ जाती है अपना अच्छे से जो है, और अच्छा प्रॉपर जूस सब अच्छी को मिलता है, अच्छी क्वालिटी का देते हैं कि जैसे कि किसी को अच्छा लगे, और इस हिसाब से करके लगभग 1500 की सेल हो जाती है मेरी। 1500 की सेल हो जाती है। आप यहीं लगाते हैं? जी हाँ, यहीं लगाता हूँ। अच्छा, तो गांव बस्ती से तो ये दूर है, तो आने जाने वाले ही पीते होंगे? जी हाँ, सब यहीं पर पीते हैं। अगर कोई गिलास ले तो लगभग कितना गन्ना चाहिए? एक इतना गन्ना चाहिए, और जो है ये बर्फ के लिए है, बर्फ लगाएंगे तब, अगर बर्फ नहीं लगाएंगे तो इतना गन्ना लेना पड़ेगा। अच्छा, एक गिलास अगर बर्फ लगाएंगे तो इतना? नहीं तो इतना। अच्छा, एक बात और बताइए भैया, आजकल कोल्ड ड्रिंक का जोर है, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं छोटे बच्चे, तो आपके यहाँ जो रस पीने वाले आते हैं वो किस उम्र के लोग ज्यादा होते हैं? मेरे पास ज्यादातर लोग 50 से ऊपर के आते हैं। अच्छा, 50 से ऊपर के। अच्छा, और बच्चे भी आते हैं? जो छोटे बच्चे आते हैं वो 20 से नीचे आते हैं लगभग ज्यादातर। अच्छा, उससे बड़े जो आते हैं वो कोल्ड ड्रिंक ही मांगते हैं ज्यादातर। अच्छा, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जो 50 से ऊपर के लोग होते हैं वो इस चीज को जानते हैं, या फिर छोटे बच्चे? हाँ, है ना, जो 50 साल से ऊपर के होंगे वो इस चीज को जानते हैं कि इसमें क्या क्वांटिटी है और कितना फायदा है गर्मियों में इसके यूज करने के लिए। अच्छा, तो क्या फायदा है आप बताओ हमें? जी, इसमें हाथों हाथ एनर्जी आती है, आप मतलब पानी की पूर्ति करती है और एनर्जी भी हाथों हाथ देता है, और ताजा होना चाहिए, बस गन्ना भी ताजा होना चाहिए, रखा हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए, रखा हुआ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ मैं यही बताना चाहूंगी, जो गन्ने का रस होता है, कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो पता नहीं कब कब की रहती है, केमिकल लगा हुआ था। ये जो जूस है ये हमारे सामने यही भैया ने निकाला, यही हमने पी लिया। गन्ने ताजे हैं क्योंकि इस समय गन्ने चल रहे हैं, तो मैं भी यही कहूंगी बहुत अच्छी बात कही भैया ने कि जो 50 से ऊपर के लोग होते हैं वो इसे पीते हैं। मैं बता दूं, वैसे मैं 50 की नहीं, लेकिन मुझे जो पसंद है वो गन्ने का जूस ही पसंद है। इसमें पुदीना और नींबू जब लगाया जाता है, अगर आप ज्यादा अच्छा पीना चाहते हैं तो आप उसमें काला नमक डालिए और गन्ने का रस पीजिए और इंजॉय कीजिए, और हमेशा स्वदेशी को अपनाइए और गन्ने का रस पीजिए और अपने देश को भी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार।